सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अब तक जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और उन्हीं की इच्छा है ये सब। और आई थिंक पॉजिटिव ही सोच के चल रहे हैं कि शुरुआत अच्छी की है, एंड भी अच्छा ही करेंगे। स्टोरी के ऊपर कितनी कमांड है इस वक्त, कितना प्रिपेयर तैयार कर चुके हैं अपना? देखिए, स्टोरी की जहाँ तक सवाल है तो स्टोरी अपने आप में एक पिलर है, सबको पता है ये बात। फिल्म का मेन हीरो सब्जेक्ट होता है जो हमारे इस टीम को मिला है, मतलब सब लोग काफ़ी खुश है सब्जेक्ट से, और वो एक सपना, एक फ्यूचर है हम लोगों के लिए, और बेहतर तरीके से उसको हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। स्टार कास्ट मार्केट की कौन कौन इस वक्त माइंड में है? देखिए, माइंड में तो काफ़ी लोग चल रहे हैं, बट धीरे धीरे बहुत अच्छा होते जा रहा है, और चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर जो हैं मनीष जी, मुकेश जी, राकेश जी, इन लोगों का कहना भी है, व्यक्तिगत सोच भी है कि हम मार्केट के ही लोगों को लेकर के कुछ चेहरे ऐसे हो जो लोगों को पसंद हो, तो कोशिश यही है कि उनको लेकर करेंगे। बहुत म्यूज़िक तो सबसे प्रथम चीज़ होती है फिल्म की, क्योंकि आता वही पहले है और लोगों तक पहुंचता भी पहले वही है। तो म्यूज़िक जहां तक की बात है कि म्यूज़िक डायरेक्टर अमित शरद त्रिवेदी जी ने बहुत प्यारा कॉम्पोजिशन किया है, और उन्होंने जो फ्लेवर दिए हैं वेस्टर्न, इंडियन, अलग अलग तरह के सिचुएशंस है, तो सॉन्ग तो लवली, बहुत प्यारा सॉन्ग है। अगर आपको डायरेक्शन की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने इस वक्त? देखिए, अभी तक तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अब हमारा वक्त भी नज़दीक आ रहा है, तो अब तक तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करके आगे आ रहे हैं, हमारी बारी आएगी तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी सद्बुद्धि दे और इतनी शक्ति दे कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करके दें।